मछरी खियावेला हो मछरी खियावेला पिया नीर मैया हमके मछरी खियावेला कवन कवन मछरी खियावत रहलन ज्ञान वाली गिराई सब वाली सब से माता पहिना देखावे ज्ञान वाली गिरई सहुर वाली सौरी प्रेमवा का पहिना देखावेला ज्ञान वाली गिरई सहुर वाली सौरी प्रेमवा का पहिना देखावेला ज्ञान वाली गिरई सहुर वाली सौरी प्रेमवा का पहिना देखावेला चेल्हावा मछरिया देखा के दीवाना लचावेला या नीर मैया हमके मछरी खियावेला ना बड़ी बढ़िया बात बाय सत्य वाली सीधरी हो फूट वाला भिंगवा बटुही में डाल के चुरावेला सत्य वाली सीधरी हो फूट वाला भिंगवा बटुही में डाल के चुरावेला सत्य वाली सीधरी हो फूट वाला भिंगवा बटुही में डाल के चुरावेला अरे बटुही में डाल के चुराव मोर पलमा बटुली में डाल के चुरावे ला बटुली में डाल के चुरावे मोरे पलमा बटुली में डाल के चुरावे ला अरे बटुली में डाल के चुरावे मोरे पलमा बटुली में डाल के चुरावे ला हाय हाय पांच में हमाना के थरिया में खियावे ला पिया नीर मैया हमके मछरी खियावेला इधर गाते हुए बाला लखंदर चल देता है। इधर विस्तर पंडित भी अपनी उपाय सोच रहा है कि किस तरह से महाराज की कही हुई बात को मैं वापस कर दूं। अब उस समय एक चाल पंडित विस्तर क्या कर रहे हैं, वहां तुरंत औरत का रूप बनाते हैं, चल देते हैं एक गगरी लेकर के उस जमुना तीर पे। गावत जात रहलन कौन चीज गावत जात रहलन गाँव के पश्चिम मोरिया पकवाई नौलवा अरे निमन लागे पनिया भरे सांवर गोरिया 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 और सिरी कबे
आर सीरीज का ट्रेडमार्क देखना न भूलिए। आर सीरीज जो आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद मनोरंजन। अपने अपने रूप का बतिया कहेपन घट पर जाके गोरखी कहले संवर की बिटिया से आपन अंगूठा दिखा के आपन मुहावा शीशा में देखा आपन मुहावा शीशा में देखा जीरा के जैसन फोरन लागे रे पनिया भरे सांवर जुरिया निमन लागे पनिया भरे सांवर जुरिया यही गीत गाते हुए गगरी को लेकर कमर को बल खाते हुए लचकाते हुए वह विषधर पंडित जमुना के तीर जब पहुंच जाते हैं गगरी भरकर बाला लखंदर को आवाज देते हैं, बेटा यह मेरी गगरी उठा दो, बेटा यह मेरी गगरी उठा देते तो बहुत बड़ा एहसान हो जाता मेरे लाल। वह लड़का बाला लखंदर जब ये आवाज को सुनता है तो कहता है कि माँ अपनी गागर उठा लो, तेरी शरीर भी तो बड़ी लंबी चौड़ी है, गगरी उठा लो माँ गगरी उठा लो। फिर बिजधर पंडित जी स्त्री के लिवास में फिर बना करके कह रहे हैं कि बेटा मेरी गगरिया उठा दो ना। लाचार होकर वह लड़का जो ही अब चल देता है गगरी को उठाने के लिए, गगरी जो ही सर के करीब ले जाता है तब तक वह बिरधर पंडित स्त्री के लिवास में गगरी को पटक देते हैं, गगरी फूट जाती है। गगरी जब फूट गई वहीं से अपने सारी बेलाउज सब कुछ फाड़ करके रोते हुए वह महाराज के दरबार में पहुंचे। जा करके महाराज से क्या कह रहे हैं, अरे सुनबा तू सुनबा राजन हमारी बात जानिया कैले अत्याचारिया राजन तोहरो ललनावा महाराज ललनावा अरे साड़ी दिहल हमरो हो भाड़ी दी राम हो साड़ी दिहल हमरो हो रो करके स्त्री रूपी बिजधर पंडित कह रहे हैं महाराज को। महाराज गुस्से में हो जाते हैं, कह रहे बुढ़िया यह तुम्हारी हालत कौन किया है। रो करके बुढ़िया कही तुहरो ललनवाए राजन फोरल हो घारी लावा कहली
यह बात सुनकर के महाराज बहुत दुख हुए। करे कि बुढ़िया तुम जाओ दरबार में, नया वस्त्र लेकर पहन लो। बाला लखनदर जतिया जाएगा तो उसके ऊपर इतना कोड़ा बरसाऊंगा कि वही समझेगा। वह बेटा मछली का शिकार करके जब उसकी आत्मा भर जाती है तो अपने महल में आ रहा है। आकर के जो ही बाबू का पैर पकड़कर स्पर्श करना चाहता है त्यों ही चंदुल शाह अपने बेटे को पैरों से ठुकरा देते हैं। कहने लगे, अरे मछली मारे गई ले रे पपियाई का, तू हम काई ले अरे का, तू हम काई ले, हमरो नमावा दिहा ले डूबाई न हो रान। जैसे कसबुर भैले छव गोला लनवाए बेटा छव गोला लाना हो, तोहरो सबुरवा करी हम घाली तरे राम। कह रहे कि पापी नीच, मैंने तो ये नहीं सोचा कि तुम इतना गलत निकलोगे, नहीं तो तुम्हारा जन्म लेते ही गला घोट दिया होता। इस बात को सुनकर के बाला लखनदर कह रहा, बाबूजी क्या हुआ, क्यों आप मेरे ऊपर इतना गुस्से में हो रहे हैं बाबूजी, कहिए तो। तो कह रहे कि बोलो, तुम मछली का शिकार करने के लिए गया था कि उस बुढ़िया के घड़ा को फोड़ने के लिए गया था, बोल। जब इस बात को अब बेटा सुनता है तो अपने बाप का जवाब दुख भरी हुई आवाज में दे रहा है, यार हम नहीं कैली हो बाबूजी, हम नहीं कैलिए बाबूजी, ऐसा ना हो का सुरावा। चरनिया बाबूजी चुमिला चरनिया बाबूजी चुमिला चरनिया बाबूजी माना बाओ बा चरनिया फोड़ली
बुढ़िया कै हो घारी लावा बाबूजी मछली मारे हम गईली मछली मारे हम गईली जमुना के हो तीरावा गगरी बाबूजी गागारी भवली बाबू गागारी भवली बाबू बूढ़िया के हो सीरामा इतनी बात कह रहे हैं बाला लखंदर बाप जो है गरम है करे नहीं कुत्ते मैंने तो ये नहीं सोचा था कि तुम इतने गलत आओगे मंत्री के समझाने से बाला लखंदर को दरबार में जाने की अनुमति दे देते हैं वह बेटा रोते हुए दरबार में चला जाता है इधर महाराज चंदुल नरेश उसके गौना की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा बेटा अब गौना लायक हो गया है मंत्री को बुलाकर कह रहे हैं कि मंत्री जी बहुत जल्द बाला लखंदर का गौना का दिन रख दिया जाए इस बात को जब मंत्री जी सुने हैं तो धावन को बुलाकर पत्र में लिख देते हैं कि फला तारीख को बारात जाएगी और फला तारीख को बारात आएगी लेकिन जब इस बात को धावन उस लेटर को पाता है तो लेकर चल देता है जाने लगता है जब पहुंच गया उज्जैन नरेश के पास उज्जैन नरेश दरबार में विराजमान है दरबार में जाकर कह रहा है कि महाराज की हो महाराज आप हुक्म दें मैं आपको अपने महाराज का एक पत्र लाया हूं उसको आप अपने पास रखें जो ही पत्र उज्जैन नरेश पा रहे हैं इस पत्र को तो घबरा उठते हैं क्या महाराज गौना की तैयारी कर दिए हैं तब तो बहुत खुशी की बात तुरंत अपने बेटी बिहुला को बुलाते हैं बिहुला से पूछ रहे हैं कि बेटी बिहुला मैं तेरी शादी तो बचपन में ही कर दिया लेकिन अब तेरा गौना करने जा रहा हूं वह बेटी बिहुला अपने पिता का जवाब दे रही है हम नहीं करवाए बाबूजी हम नहीं करबो बाबूजी आपना होगा माना सीरीज का ट्रेडमार्क देखना न भूलिए आर सीरीज जो आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद मनोरंजन जब लेना देवा जब लेना देवा जब लेना जब लेना देवा हो बाबू
हमारो हो मानाना कि बाबूजी मेरा आपके पास मंगन है, जब इस मंगन को पूरा कर दें तब तो मैं गौना जाऊंगी, वरना गौना कभी नहीं जा सकती हूं। इस बात को सुनकर महाराज बेचू साहब कह रहे कि बेटी बोलो बोलो बेटी बोलो बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है मेरी लाडली। इस बात को सुनकर वह बिहुला अपने पिताजी से कह रही है, अरे हमारा के देवाए बाबूजी गारुड़ देव देवा तावा, अरे गारुड़ देव देवा तावा हो। साकर कुत्ती बिल्ली हमके चाही न हो राम बस इतनी ही बात कह रही है साकर कुत्ती बिल्ली और गरुड़ देवता। करे कि इतनी तीन चीज दे देंगे आप और एक अचल घर को पर बनना चाहिए हमारे ससुर के घर से कुछ दूरी पे। बिहुला भी जानती थी भगवान ने उसको इतना ज्ञान देकर भेजा था कि धन्य हो बिहुला जो कि अपने आगे वाली और पीछे वाले भी बात जानती थी तपस्या से। लेकिन पिताजी यह प्रश्न को सुनकर के करें कि बेटी तीन सामान तेरी ये मिल जाएगी और इसी लेटर पे मैं लिख दे रहा हूं कि महाराज आप एक अचल घर को ऊपर बनवा दीजिएगा जिसमें धुआं प्रवेश न कर सके। दिन रख गया और इधर पत्र को लेकर के अचल घर को होकर बनने के तैयारी के लिए वह धावन चल लेता है महाराज चंदुल शाह के पास। तो होता है क्या, चली गई ले धावन देखा चंदुल के संभनवाए भैया चंदुल के साफ साफ बतिया फरमावेला हो राम कहने लगा, अरे जैसन हुकुमावा पवली वैसन हम कहली, अरे हम कहली हो अचल घर को बरदा बनवाई न हो लगा कि अचल घर कोहबर कैसा बनना चाहिए, ऐसन कोहबारा बनी है धुआं नानी पासी है अरे नानी पासी हो ऐसन बचनिया रानी उचारे ली हो महाराज। बिहुला का यह आदेश है कि ससुर के घर से कुछ दूरी पर एक अचल घर को ऊपर बनना चाहिए। महाराज इस बात को सुनकर हंसने लगे, कहे क्या अचल घर को ऊपर मैं बहुत जल्द बनवा दूंगा। एक दिन पहले अचल घर को ऊपर
जब बनकर तैयार हो रहा था उस समय बिजधर पंडित पहुंच जाते हैं, मिस्त्रियों से क्या कह रहे हैं, अरे सुन बा तू सुन बा ये बेटा हम बदलिया हो बेटा हम सुन ले बा आ राजा हमारा ना हो एक बतिया मन बाए बेटा इनाम तोह के दे इनाम थोड़ा खोली दे बा तू सुरकन हो राम मिस्त्रियों से जाकर कहने लगे कि बेटा अगर उसमें थोड़ा सा तुम सुराग कर दोगे ना तो तुमको मैं भारी रकम दे करके विदा कर दूंगा। मिस्त्री कहला ना ना बाबा ये हमारा से ना हुई, महाराज का ये आदेश बाय कि मैं धुआं प्रवेश कर दे ना, इमें से धुआं यदि बाहर निकल जाई तो सोच लें कि हमनी का परिवार जियत ना रही। ये बात के जब सुनलन पंडित जी तब कह लगलन सुनो बेटा हमार यदि कहना कह देवा न तो तोहरा के मालोमाल कह देव। एक थोड़ा पर गर्मागल कहते अरे हमारी के मालोमाल करे बदे जल्दी यहां से तू चल जा नहीं तो ठीक ना पड़ी। जब ये बात के जब पंडित जी जब सुनलन गुस्सा में हो गेलन और समय कहे का लगल है अरे जब नहीं करबा बेटा हमारा कहना हो जब नहीं करबा बेटा हमारा कहना हो जब नहीं करबा बेटा हमारा कहना हो तोहरो नया नवा बेटा तोहरो नया नवा हम हूं थोड़ा पे राम जी अरे कहे यदि काम ना करवा तोहर आंख फोड़ देव। यह बात करते ही करते ही अपने सत्य को सिमर कर उन लोगों के ऊपर मंत्र उच्चारण कर देते हैं, वह अंधे हो जाते हैं, विवश होकर के बाबा की बात को मानना ही पड़ा। वो सब बेचारे सुराग खोल दिए लेकिन कह रहे हैं कि बाबा यह किस तरह से इसको छुपाएंगे। तो बिस्धर पंडित जी गए बाजार पान खा कर आए और वहीं जहां सुराग था वहीं थूक दिए। उसी रंग से वो ढक गया, वो दिखाई नहीं देता था। अब इधर गौना की बात सुने बारात जो है सज धज के तैयार है लेकिन बाला लखंदर गौना के लिए तैयार नहीं है। अपने बाबूजी से क्या कह रहा है हम ना कर ये बाप अपना होगा माना बाबा
कह रहा है कि बाबूजी मेरा गौना न करें बाबूजी। महाराज घबरा गए, उसको मार पीट कर किसी तरह से किसी भी बहाने उसको समझा बुझा करके गौना कराने के लिए चल दिए। बारात जो है बेचूसाव के दरबार पहुंची, बारात का बहुत अच्छे प्रकार से सम्मान हुआ। उधर सुबह हुआ, विदाई हो रही है, तो उस समय सखिया सहेली सब मिल के गीत कवन गावेली हो। निबिया का पेड़ा, निबिया का पेड़ा जाली काटा है बाबा, निबिया चिड़ैया के बसेर हो। सबेरे उड़ी जाई है चिड़ैया, होता सबेरे उड़ी जाई है चिड़ैया, रही जाई है निबिया का पेड़ हो। वैसे कहूँ अब बेटी ए बाबा, नहीं हरा भयला पर दे सीरीज का पैगाम आर सीरीज का ट्रेडमार्क देखना न भूलिए। आर सीरीज जो आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद मनोरंजन।